जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी समर गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में समर गार्डनिंग से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें आज का जो प्लांट है वो है पॉनीटेल पाम। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर रखिए आउटडोर रखिए एज़ यू विश। आपको ग्राउंड फ्लोर पर लगाना है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं, गार्डन में लगाना है वहाँ भी लगा सकते हैं, छोटे पौधे में लगाना है, छोटे पॉट में लगाना है माफ़ कीजिए तो भी लगा सकते हैं, और बड़ी से बड़ी जगह का अगर कवर करना चाहते हैं तो भी इस प्लांट को लगाइए। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत पॉनीटेल पाम के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी, कि प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं लेकिन वीडियोज़ लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मैं वहाँ से अपनी नर्सरी भी आपको जो है शो करती हूँ कि मेरी नर्सरी में कौन कौन से प्लांट सेलिंग पर है, और गार्डनिंग की नॉलेज भी मैं वहाँ पर भी देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ बनती हैं, तो वो मैं जो यूट्यूब पर होती हैं वही इंस्टा पर भी होती हैं, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये है पॉनीटेल पाम जो कि मैंने एक बहुत ही छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, और जैसा कि आप देख रहे हैं पॉनीटेल पाम, इसकी खूबसूरती इसकी जो है लीव्स में और इसके कॉडेक्स में होती है, इन दोनों चीज़ों में इसकी खूबसूरती होती है। मैंने अपने वीडियो में आपके साथ एक चीज़ और कही है कि आप चाहे तो इसे छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसे बड़ी से बड़ी जगह कवर करने के लिए भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही सही बात है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक जो छोटा सा कढ़ाई है, जो काले कलर की मिट्टी की कढ़ाई होती है, जो कुम्हार होते हैं ना मटके वाले, वो इसे सेल करते हैं, और भी बहुत सारे लोग आजकल सेल करने लगे हैं, तो उनसे मैंने ये परचेस करी थी। तो कढ़ाई तो मेरे किचन में यूज़ नहीं आई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इसका मैं एज अ प्लांटर कैसे इस्तेमाल करूँ, तो मैंने अपनी कढ़ाई में जो है इसमें मैंने पॉनीटेल पाम लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पॉनीटेल पाम एक ऐसा प्लांट है जो ग्राउंड फ्लोर में अगर आप लगाएंगे ना, तो जितनी इसको जगह मिलती जाएगी इसका कॉडेक्स उतना ही मोटा होता जाएगा और उतना ही ये कॉडेक्स इसका फैलता जाएगा। इसका कॉडेक्स ही इसकी जो रूट है, जैसे अडेनियम होता है ना, इसकी रूट होती है वो अगर मिट्टी में जितना रहेगी वो उतना थिक होता जाता है, उसी तरीके से पॉनीटेल पाम की भी ये, आप इसे चाहे स्टेम कह लीजिए या रूट कह लीजिए, जितना ये मिट्टी के अंदर होगा उतना ही बड़ा होगा, लेकिन अगर आपने पॉट में लगाया है तो जितना बड़ा पॉट है ये उस हिसाब से ही फैलेगा, उससे ज़्यादा नहीं फैलेगा। इसकी लीव्स देखिए आप, इसकी लीव्स से एक सावधानी आपको रखनी चाहिए कि इसकी लीव्स काफ़ी शार्प होती है, अगर आप अपना हाथ उस लीव्स में डाल रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि इनकी जो शार्पनेस होती है इतनी भी ज़्यादा शार्प नहीं होती, लेकिन फिर भी हाथ डालेंगे तो आपके हाथों पर कहीं भी कट लगने की संभावना है, तो आप ग्लव्स पहन कर ही इसके पत्तों को हाथ लगाइए या इसके पौधे में हाथ घुसाइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉट साइज़ तो हो गया, आप जिस पॉट में लगाएंगे ये उतना ही फैलेगा, उससे बड़ा नहीं होने वाला है। अब हम सॉइल मिक्स की बात करेंगे, तो सॉइल मिक्स यहाँ पर आपको लेनी है 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% कंस्ट्रक्शन सैंड, और आप थोड़ा सा फंगीसाइड मिला लीजिए, चाहे आप हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं एक चम्मच मिला करके, और इस पौधे को लगा दीजिए। फ्रेंड्स, डेकोरेटिव आइटम के रूप में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा ख़रीदा जाता है अपने ग्राउंड में, अपने गार्डन में लगाने के लिए, सरकारी गार्डन हो चाहे मतलब सार्वजनिक गार्डन हो, या जो है आप अपने घर पर लगा रहे हैं, तो भी ये जो प्लांट है आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसे खाद दें ना दें ये पौधा बड़ी आसानी से चलता रहता है, कभी ख़राब नहीं होता, चाहे आप इसे फुल सनलाइट में पटक दीजिए गमले में लगा के तो भी कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है इस पौधे का, चाहे आप इसे सेमी शेड एरिया में या शेड में रख दीजिए तो भी कुछ नहीं बिगड़ता है, आप इसे 2-3 दिन में भी पानी देंगे तो भी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, आप इसे चाहे डेली पानी देंगे तो भी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, अगर आप 1 हफ्ते के लिए भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये पौधा बिना पानी के सर्वाइव कर जाएगा। अब इसके जो है
पेस्टिसाइड की बात करते हैं, कीड़ा वगैरह तो मैंने तो नहीं देखा है अभी तक इसके ऊपर कोई कीड़ा। हाँ, इसके पत्ते जो है वो थोड़े से ब्राउन और सूख से जाते हैं, तो ये तब होता है जब आप इसमें या तो लेस वाटरिंग करते हैं या ओवर वाटरिंग करते हैं। तो पत्तों को पकड़ के बिल्कुल भी हाथ को घिसिएगा मत, कि ये इस तरीके से बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसकी किनोर को बहुत जल्दी आपकी हथेली में लगने में समय नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसके जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी बनते हैं, लेकिन अगर आपने आपने इसको कम से कम 12 इंच के गमले में लगाया है ना, तब जाके आपको इसमें बेबी प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इनके जो बेबी प्लांट्स हैं वो बनते हैं इसके कॉडेक्स के ऊपर ही बनते हैं, और वहीं से आपको हार्वेस्ट करना होता है और फिर दूसरे पॉट में लगाना होता है। जैसे एरिका पाम होता है, उसमें भी नीचे से न्यू प्लांट्स बनता है और उसी को कट करके हम प्रोपोगेट कर लेते हैं। तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए भी उन बेबी प्लांट्स को निकाल करके प्रोपोगेट कर लीजिए। इसके ऊपर अगर आप मुझसे और कोई जानकारी चाहते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब इसके ग्रोइंग पीरियड के बारे में बात करते हैं। फरवरी से लेकर नवंबर तक आप इसे कभी भी ला के लगा सकते हैं, इवन गर्मियों में भी आप इसे ला करके लगा सकते हैं। पौधा कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। जो लोग अपने पौधों की ज़्यादा केयर नहीं कर पाते लेकिन पौधों का बहुत शौक़ होता है उन लोगों को, वो लोग ये प्लांट ला करके बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे स्नेक प्लांट होता है उसी तरीके से ये भी है, लेकिन उसकी जो थोड़ी सी उसका जो नेचर है वो अलग है। सभी प्लांट्स का अपना अपना नेचर होता है, तो पौधे की केयर उसके नेचर के हिसाब से करें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, भूलिएगा मत। पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।